स्टूडेंट्स अलर्ट, मैं फिर हाजिर हूँ एक और मॉड्यूल ओडे 5 स्पीक अप, जो कि आपके स्टूडेंट एक्टिविटी बुक से रिलेटेड है। सो प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। और स्टूडेंट्स अलर्ट, अगर आपने इसकी जो दूसरी बुक है वो ये लेसन है जो इस मॉड्यूल ओडे 5 स्पीक अप है, अगर वो लेसन नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स लर्न, देर ना करते हुए पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। लर्निंग कमिटमेंट, ये आपका लर्निंग कमिटमेंट है पार्ट ए में, ओनली पार्ट ए है, ठीक है। सो ये एक्टिविटी बुक से रिलेटेड है, इसमें से आप राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स लर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आपका है ओनली फॉर गाइड करना आपको, माई इम्प्रूवमेंट प्लान्स। ओके, आप जो इम्प्रूव करोगे वो प्लान के रिगार्डिंग है, यहाँ पे आप राइट डाउन करोगे। रीडिंग स्किल्स, ऑलराइट, देन प्रेजेंट एलेक्साइल स्कोर, मैंने ये आपको पहले भी बताया है, अगर आपने वो लेसन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा एलेक्साइल स्कोर क्या है, तो वो आप यहाँ पे अपना लिखोगे। देन ऑफ वीकली प्रैक्टिस सेशन, यहाँ आएगा आपका। देन टारगेट एलेक्साइल स्कोर्स एंड ऑफ एलिमिनेट्स कप्स मॉड्यूल 5। ओके, जो आपके कॉम्पिटिशन्स होंगे ना, देन उसका जो मॉड्यूल 5 है, जो एंड ऑफ द मॉड्यूल 5 है, उसकी स्कोर्स आप यहाँ पे लिखोगे। देन टारगेट एलेक्साइल स्कोर एंड ऑफ स्कॉलरस्टिक कप मॉड्यूल 9, उसके स्कोर आप यहाँ लिखोगे। देन सेम एज अ मॉड्यूल 14 के स्कोर आप यहाँ लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स अलर्नर्स, आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ये बहुत इजी है, बस मुझे वीडियोस बनानी थी क्योंकि लाइन बाय लाइन, सो आपके लिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये बहुत इजी है, हर स्टूडेंट इजीली इसको फिलअप कर सकता है। देन सेकंड आपका माय इम्प्रूवमेंट प्लान, स्पीकिंग स्किल, फर्स्ट आपका था रीडिंग स्किल, फर्स्ट आपका ये है रीडिंग स्किल, एंड सेकेंड आपका है स्पीकिंग स्किल। तो स्पीकिंग स्किल में आपका क्या हो सकता है, जो भी आप डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो जिसमें आपको इम्प्रूव करना है, जैसे कि मैं प्रोनंसिएशन में हमेशा मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, सो मैं अपनी प्रोनंसिएशन इम्प्रूव करूँगी फर्स्ट, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। देन सेकेंड राइटिंग स्किल, वो मैं अपनी इम्प्रूव करूँगी। देन थर्ड मेकिंग अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन फर्स्ट मेरा है रीडिंग एंड सेकेंड, मैं दो चीज़ को हमेशा फेस करती थी और अभी भी थोड़ा बहुत करती हूँ, तो उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप क्या इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, आप वो यहाँ पे राइट डाउन करोगे स्टूडेंट्स लर्नर। चलिए सेकेंड पे आते हैं। देन प्लान टू मेक मोस्ट आउट ऑफ द एक्सटेंशन, ओके, इस वर्ड की मीनिंग क्या है, प्रोनंसिएशन क्या है, इस वर्ड की मीनिंग चलिए जान लेते हैं। एक्सटेंशन एंड इसकी प्रोनंसिएशन, एक्सटेंशन 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 मीन्स वन पॉइंट एंड एक्स्ट्रा पीरियड ऑफ टाइम दैट यू अलाउड फॉर समथिंग, ठीक है। देन सेकेंड अ पार्ट दैट इज एडेड टू अ बिल्डिंग, ओके, किसी चीज को हम जिस टाइम देते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा इफेक्ट लगाते हैं, उस चीज की यहाँ पे ये मीनिंग निकल के आती है एक्सटेंशन। जैसे वी आर इफ यू स्टूडेंट्स वी आर लर्नर्स, सो हम अपनी लर्निंग में कितना इफेक्ट लगा रहे हैं, उसको कितना समय दे रहे हैं, ये चीज समय देना, जैसे सेशन से पहले सेशन के बाद। स्टूडेंट्स हमने अभी इस वर्ड की मीनिंग जानी, इसकी मीनिंग है किसी चीज को टाइम देना, एक्स्ट्रा टाइम देना, इफेक्ट देना अपनी लर्निंग को, तो वो चीज आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है। जैसे आपको आपकी लर्निंग को आप कितना टाइम दे सकते हो, सेशन से पहले सेशन के बाद आप कितना इफेक्ट लगाओगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे अपने प्लान्स राइट डाउन करने हैं, आपका एक्स्ट्रा इफेक्ट, एक्स्ट्रा चीज़ें
लर्निंग में, वो आपको यहाँ पे सिंपली राइट डाउन करनी है। आई होप आप स्टूडेंट्स एंड लर्नर समझ गए होंगे। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपके लिए ये यूजफुल होगी, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका फैमिली बैकग्राउंड में इंग्लिश बोली नहीं जाती है, और वो जिनकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है और वो इस चीज़ को फेस करते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस करी है। जो गांव कस्बे से आते हैं, यहाँ पे रहते हैं शहर में, देन वो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है समझने में। सो और कुछ स्टूडेंट का ये डाउट है, मैम आप इंग्लिश में आंसर क्यों नहीं देते हो? तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मैं वीडियोज़ ही उन स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ जिनको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी होती है, तो उनको गाइड करने के लिए इन हिंदी में, ठीक है? सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स जो लर्निंग को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैं उनके लिए सबसे पहले वीडियोज़ बनाती हूँ। देखिए बहुत से लोग होंगे जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, इंग्लिश में आंसर दे सकते हैं, समझ सकते हैं, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और उनकी फैमिली में कोई भी इंग्लिश बोल नहीं सकता, वो आगे बढ़ना चाहते हो और उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी उनको फेस करनी पड़ती है समझने में। FA में सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी बोल नहीं सकते, और हमें इंग्लिश सीखनी है। अब हिंदी में तो हम वहाँ बात नहीं कर सकते, और हमारा फैमिली बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है तो हम उनसे सजेशन नहीं ले सकते। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, तो मैं उनके लिए ज़्यादा बनाती हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स एंड लर्नर, आपको भी हेल्प होती है, मैं समझाती हूँ। बहुत स्टूडेंट कम से कम मैं भी, मुझे 50 मैसेजेस ऐसा है, मैम आप इंग्लिश में क्यों नहीं बताते? हम इंग्लिश में भी बता सकते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर, बट फर्स्ट हिंदी में बताने का मोटिव, देखिए इंग्लिश में तो आप FA में सीखते ही हो ना, ठीक है? सो इंग्लिश में फैसिलिटेटर आपको गाइड करते ही हैं, इसीलिए इन हिंदी में उन स्टूडेंट के लिए जो ये फेस करते हैं, जो समझ नहीं पाते, उनका इतना फियर होता है कि हाय हम इंग्लिश में क्यों नहीं बोल, हम बोल नहीं पाते और समझ नहीं पाते, हम कैसे ये करेंगे। इस चीज़ से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट FAS छोड़ देते हैं ये फियर के कारण, कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो इनका इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता। क्योंकि देखो इंटरव्यू जब हमारा होता है ना, अपना खुद का इंट्रोडक्शन, अगर हमें इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, हम इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, तो ही हम FA में सेलेक्ट हो पाते हैं, ठीक है? ये उन जैसे स्टूडेंट्स के लिए है। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स से लेना, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछेगा। ये एक्टिविटी बुक है स्टूडेंट्स के लिए, तो आई होप आप इंजॉय करेंगे आने वाले टाइम में। सो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चलती हूँ एक और न्यू मॉड्यूल बनाने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय।